हम कहें अत्ता रास्ता छोड़ दो तो कठड़िया होती है का पंडित जी जाने इधर से अगर कोई गाड़ी आवे तो अबे कोई गाड़ी ऐसी आवे तो मर जाए तेरे पर लड़का कोई वहाँ नहीं अभी मैजिक कुछ है ना तो मोटरसाइकिल वाला बच जाता है वैसी दहिया ट्राली ठा रहा है मैजिक कुछ चाल ना है ऐसी वैसी मोटरसाइकिल वाला आ गया सर दे तू कहो बच जा बता दिया मोड़ छोड़ फिर अब बनता नहीं ये ट्रालियां कहां से आती हैं विश्वास से होती है विश्वास से आती है विश्वास बहराई चाहे इसी फतेहपुर सब कहां ट्राली होती ठाड़ी होती है क्या काफी अवैध कारोबार यहाँ पर ईंटे का किया जा रहा है रोड पे खड़े करके और पंडित जी से कहा पंडित जी के हाथ में हम नहीं खड़े हो पंडित जी खड़े हो फिर चक्कर कह दिया कि ट्राली अब तुझे खड़ी हो बनता ही नहीं चाहे जो कोई मर जाए जब आप लोग इन पंडित जी से बात की गई तो उन्होंने भी अपनी दबंगई पे हावी हैं और कहा मैं अपनी जगह में खड़ी करता हूँ किसी का कुछ नहीं होता है यहाँ पर बहुत बड़ा एक हादसा होने का खतरा बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्राली वाले अपनी मनमानी पर उतारू हैं और यहाँ पे ये रोड पे खड़ी कर देते हैं जो कि कहीं बहुत बड़ा एक हादसा होने का खतरा बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं और यहाँ जो पड़ोस में घर बने हुए हैं उनके बच्चों को खतरा बना हुआ है और आप लोग देख रहे हैं ये इतनी मनमानी कर रहे हैं कि शायद रोड की भी नाश पड़ रहे हैं और यहाँ पे जो है ये ट्राली वाले हैं बिश्वा से आते हैं और यहीं खड़ी कर देते हैं रोड पर यहाँ पे जो है बहुत बड़ा हादसा होने का जो है यहाँ पे खतरा बना हुआ है और यहाँ की स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और यहाँ के उनको जो पास पड़ोसी हैं वो उन्होंने संरक्षण दे रखा है इनको ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से रोड पर ओवरलोड करके खड़ी करते हैं और मनमानी और जब कोई इसे रोड से हटने की बात करता है तो ये लोग मनमानी करते हैं उस पर हावी हो जाते हैं और अगर इन लोगों को हटाया रोड से ना गया तो बहुत बड़ा एक दिन हादसा होने का खतरा बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे इनको संरक्षण दिया जा रहा है इनसे अवैध वसूली की जा रही है यहाँ पे लोगों के द्वारा इनका घर पड़ोस में हम बात करते हैं इस ट्रालियों से कितना नुकसान है क्या हुआ था ये ट्रालियाँ यहाँ पे डेली हम कहे थे हमारे घर से खड़ंजा उचान है डेली कहे थे ट्राली तिरने से जाओ मैजिक उचाई थे ट्रैक्टर उचाई थे उचाओ जौन दशा है शीशा लादर रास्ता धोया के हैं रोड डेली कहे थे मनता ही नहीं नहीं तो इनको 100 रुपया रोज ट्राली पर लेते तो हम अपने यहाँ गाड़ी में खोसे पड़े को लेते हैं 100 रुपया जो कोई तिठड़ हो तो कोई अपने घर के ठड़ हो अपने घर के तिठड़ हो अच्छा वो 100 रुपया ट्राली से लेते हैं लगभग सड़क के बुआ सोते हैं कितनी कितनी ट्रालियाँ आती हैं यहाँ 15-20 ट्राली रोज होती है रोज होती हैं मतलब 100 रुपया ट्राली से लिया जाता है किसके द्वारा लिया जाता है यहाँ पे अभी देखें सब छोड़ो थे देखो लाइन लाइन लगी ट्राली यहाँ पे एक बात और उभर के आई आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इन ट्रालियों से 100 रुपया लिया जाता है और कम से कम 15-20 ट्राली रोजाना जो है यहाँ पे आती हैं और ये उनको नहीं पता है कि कितना बड़ा दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है और ये पैसा कहाँ जाता है ये तो वसूलने वाले ही बता सकते हैं ये पैसा क्योंकि अकेला आदमी कोई हजम नहीं कर सकता ये पैसा कहाँ से जो है कि हमारे रास्ते के सामने न चढ़ी हो डेली कहे थे डेली ये रोड पे खड़ी कर देते रोड पर चढ़ाए देते जब कहते हो जब कहते हो तो ये लोग क्या कहते हैं कहा थे हटाए थे पंडित जी जाने फलाने जाने कौन पंडित जी अब जो खड़े हो तो पंडित जी दे थाने के पंडित जी जाने पंडित जी से बात आप खड़ी करवाओ थे कहा भैया तुमसे को कहा पंडित जी जानते हैं भाई कहा था पंडित जी जाने भाई कहन पंडित जी जाने पंडित जी तुम्हें ये यहां पे कौन खड़ी करवाता है भाई भाई कहा था पंडित जी नहीं नहीं आप झलक हैं आप यहां बताने से गुरेज कर रहे हैं यहां पे ये वही कहा था पंडित जी जाने पंडित जी ये ट्राली वाले जो है यहां पे बताओ भाई ट्रैक्टर लेके गए बताओ हमें कहा था ना कहा था तुम्हारे सामने ना कहा था अब भाई इनके सामने को कहा था कह रहा पंडित जी जाने अब फिर चक्कर कह दिया कि ट्रैक्टर लेने चाहिए ये आप लोगों को हम एक सीन यहाँ से दिखाते हैं कि ये रोड पर किस प्रकार से हुआ लोड ट्रालियाँ यहाँ पे खड़ी हैं और इनकी मनमानी इतना गुंडागर्दी है ट्राली वालों की कि जो है ये किसी पे हावी हो जाते हैं जब कोई कहता है और किस प्रकार से अपने दरवाजे पे ये खड़ी करके उसके बाद इनसे जो है 100 रुपया ट्राली वसूला जा रहा है अब वो पैसा कहाँ जा रहा है पुलिस संरक्षण में जा रहा है कहाँ जा रहा है ये लोग बताने से गुरेज कर रहे हैं ये ट्रालियाँ हैं और ये तिवारी जी का घर है जिनके संरक्षण में ये ट्रालियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे और रोड की बिल्कुल जो है नस पीट दी है इन लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पे ट्रालियों का जखीरा लगता है ओवरलोड किस प्रकार से जहाँ एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि ओवरलोडिंग पे शिकंजा कसने की बात कर रही है वहीं पर यहाँ पे ये मनमानी करते हैं कम से कम
कितने टनों आप लता होगा ईंटा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जहां एक मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही यहां पे ट्राली ट्रैक्टर चालकों के द्वारा। और ये ट्रालियां यहां पे घर के सामने एक तिवारी जी पंडित जी हैं उनके सामने खड़ी करते हैं और इनसे 100 रुपया जो है वसूला जाता है, यहाँ पर जो बातचीत करने में पता चला है। बिल्कुल रोड की आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये रोड कहां तक ये कारगर होगा, लोगों के लिए खतरा बन सकता है कभी भी। और इस प्रकार से रोड की नस पीट रहे हैं लोग। और कई बार इन लोगों से जब कोई पड़ोसी या कोई कहता है तो ये लोग अपनी मनमानी और गुंडागर्दी पर हावी हो जाते हैं, उसके ऊपर जो है इस प्रकार से यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। डब्ल्यू डी नया या भाड़े का प्लाट ले हैं, यूँ घर हुआ बना है सामने, ठीक है। नहीं, एक चीज़ और बताइए। हाँ बताइए। जैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे वसूली करते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या अभी जैसे ये लोग बता रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे संरक्षण होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ का संरक्षण होता है ये तो बताइए। मतलब ये भाड़े पे दुकान आपने मतलब रखी इनको खड़ी करने के लिए, इसको ये जो ट्रालियाँ जो खड़ी हैं, ट्राली ये प्लाट हमारा है ये। हाँ तो नहीं तो इसके लिए मतलब इनसे पैसा हम फ्री में खड़े करवाए हैं। फ्री में खड़ी करो? नहीं तो अभी ये बता रहे थे कि ये पंडित जी खड़ी करवाए, तो फ्री में हमें खड़े हम ही नहीं खड़ी। अभी वो बता रहे थे कि 100 रुपया ट्राली तो, वसूला जा रहा है। अब वो दुनिया तुम बताओ, हमको 1000 रुपया ली थे तो हम तुम्हारे कहे तो ले ली थे। ठीक बात। अब वही न्यूज मतलब भरत कुमार तुम तो लंदन हमारे ठीक है, जगह जगह न्यूज हम दें तुमका तो हमारे न्यूज बना दी हमारी न्यूज छात्रों लगे पर हम ठीक है। ये रोड है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये रोड जो है यहाँ पे नस मार दी गई है। और ये रोड कभी भी जो है खतरा कर सकता है। और ये ट्राली जो ओवरलोडिंग ईंटा वाली ट्रालियों से इस रोड की दुर्दशा हुई है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे एक ट्राली और एक धनलाल जी हैं गुप्ता, जो कि उनकी तूतू मैमे हो रही है। और जब उन्होंने कहा ट्राली वालों से हटाने के लिए तो वो उतना हावी हो गए उसके ऊपर धनलाल के ऊपर कि कुछ कहने की गत नहीं हो। वो उन्होंने बताया इस चीज़ को कि यहाँ पर ट्राली वसूला जाता है। और यहाँ पर जो है जब ट्रालियों वालों से जब कहा गया तो वो लोग जो है उनके ऊपर हावी होते हैं और रोड बीच रोड पे खड़ी कर देते हैं और हटाते नहीं हैं। इतनी गुंडागर्दी उनकी मनमानी यहाँ पर जो है चल रही है। और ये शायद स्थानीय पुलिस का संरक्षण उनको प्राप्त है, इसी वजह से उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उचित कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाती है इसी वजह से। और कुछ कहेंगे आप? और कहा 20 से 40 से सबसे कह चुके हटावत ना है ट्राली, वो कहो जो सड़क पर उचावक हो लड़का निकसक हो तो इसके लिए थाने में सूचना नहीं दी? थाने में सूचना ना दिया। तो दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल दे, थाने में सूचना दे, अपना तो कैसे काम चले। इधर तक कहने बने हो, जब कहो तो कहा पंडित जी जाने पंडित जी ठंडवा। अच्छा, वो दिन कहन कहन पंडित जी ठंडवा, आज कहन आज खोपड़ी तोहार कहा पंडित जी जाने, तो हम का जाने पंडित जी का रोड कहीं नहीं खड़ी। कौन पंडित जी? इधर पंडित जी थाने का बड़ी सतीश होए, जब तक कर कह दिया मानता नहीं। ये है ओवरलोड, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी दूरी तक जा रहा है उठ करके ट्रैक्टर, उसके बावजूद भी ये अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरे की जान कब ले लें कुछ पता नहीं। ये ट्रैक्टर वाले ईंटा ट्राली है, इतनी मक्कारी इतनी दबंगई इन लोगों पे हावी है कि पुलिस भी इनके आगे नतमस्तक है। ये आप लोग देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का सीन, ये बहराइच रोड पेट्रोल टंकी के पास की है जहाँ पर ये ट्राली वाले अपनी गुंडागर्दी और मनमानी पे उतारू हैं और बीच रोड पे और ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली पर ईंटा लाद करके यहाँ पे लाते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से इनकी हावी है गुंडागर्दी कि कोई भी व्यक्ति इनके आगे मुँह खोलने को तैयार नहीं।